अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 3, वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन। इसी आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 पे आ जाइए। तो हमारे पास यहाँ पर है जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहले आ जाते हैं, द डिवीजन ऑफ सेल टू फॉर्म टू डॉटर सेल इज कॉल्ड, यानी कि वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास टू डॉटर सेल बनते हैं, वो होता है हमारे पास माइटोसिस का। वेयर अबाउट्स इन द प्लांट्स और एनिमल्स डज माइटोसिस डज मियोसिस टेक प्लेस। मियोसिस कहाँ पे होती है? प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, इनकी बॉडी सेल के अंदर होती है, ठीक है। द डिवीजन ऑफ अ सेल विच रिजल्ट इन ईच डॉटर सेल रिसीविंग एग्जैक्टली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, यानी कि वो कह रहे हैं कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हर डॉटर सेल के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम शिफ्ट हो जाते हैं, वो मियोसिस का प्रोसेस होता है। हाउ मैनी क्रोमोसोम डज आर ह्यूमन बॉडी का सेल कंटेन, एक से हमारी ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम एंड जीन आर मेड अप ऑफ, ये दोनों किससे बने हुए होते हैं? डीएनए से मिलकर बने हुए होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आ जाते हैं, जीन्स आर फाउंड इन क्रोमोसोम्स वेन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द सेम स्पीशीज लुक और बिहेव स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड, यानी कि जब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे से डिफरेंट लुक दे रहे होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? वेरिएशन कहलाते हैं। क्रोमोसोम्स कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर, और नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जीन किससे बना हुआ होता है? ये डीएनए से बना हुआ होता है, ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आ जाइए। तो हमारे पास है जी पार्ट नंबर 1, एट विच स्टेज डू सिमिलर क्रोमोसोम्स पेयर अप, कौन से स्टेज के ऊपर सिमिलर क्रोमोसोम्स बनना शुरू हो जाते हैं? प्रोफेज 1 के अंदर। एट विच स्टेज डू क्रोमोसोम मेक आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ देम सेल्फ, आइडेंटिकल कॉपीज कब बना लेते हैं? इंटरफेज के अंदर बना लेते हैं आइडेंटिकल कॉपीज क्रोमोसोम्स की। एट विच स्टेज डू क्रोमोसोम डिवाइड इंटू हाफ, कब क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं? मियोसिस 2 के अंदर। एट विच स्टेज डू सेक्शन ऑफ डीएनए गेट स्वैप्ड, प्रोफेज 1, ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आ जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी मेरे पास, व्हाट इज अ जीन, जीन क्या है? तो इसका आंसर है अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये क्या है? ये डेफिनेशन ऑफ जीन है, इज कॉल्ड जीन, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पर, विच सब्सटेंस डू जीन टेल अवर बॉडीज टू मेक। जीन का मतलब इनका रोल क्या है, क्या काम करता है जीन हमारे बॉडीज के अंदर? जीन टेल अवर बॉडी टू मेक प्रोटीन विच डिटरमाइन ट्रेट लाइक आई कलर, हेयर कलर, हाइट एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम है जो कि हमारे न्यूक्लियस के सेल के अंदर मौजूद होती है? उसका नाम होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पर, वट आर क्रोमोसोम्स एंड जीन मेड अप ऑफ, यानी क्रोमोसोम्स और जीन किससे बने हुए होते हैं? क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर मेड ऑफ डीएनए, किससे बने हुए होते हैं? डीएनए से मिलकर बने हुए होते हैं। पार्ट नंबर 5 पे आ जाते हैं, हाउ मैनी क्रोमोसोम डू ह्यूमन हैव इन ईच बॉडी सेल, हर एक सेल के अंदर ह्यूमन्स के कितने होते हैं? ह्यूमन्स हैव 23 पेयर, 46 टोटल क्रोमोसोम्स इन ईच बॉडी सेल, 23 पेयर फॉर्म होते हैं और उस 4 यानी कि 46 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 23, यानी कि 23 का पेयर होता है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं, व्हाट इज अ स्पीशी, स्पीशी क्या है? स्पीशी की ये डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस एंड हैव अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड स्पीशी। स्पीशी वो है कि एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोड्यूस भी कर सके, उसके कैरेक्टरिस्टिक भी सेम, वो स्पीशी कहला दिया जाएगा, ठीक है। वट नेम इज गिवन टू द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी, अगर करेक्टर एक ही स्पीशी के मतलब ह्यूमन्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आ रहा है तो उसको उसको उसके लिए हम लोग कौन सा स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे? उसके लिए हम लोग वेरिएशन का वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं, वट डज द वर्ड इनहेरिटेड मीन्स, इनहेरिटेड का मतलब क्या है? ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन, यानी कि वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपके पेरेंट्स आपके अंदर आए होंगे वो आपके वो इनहेरिटेंस में आ जाती है, वो इनहेरिटेड है आपको, ठीक है। अच्छा, वो आ जाते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, पार्ट नंबर 1 पे आ जाइए, स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमंस विच आर टोटली अनअफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, जो कि आपने चार ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है जो कि ह्यूमंस के अंदर है और वो इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो इन्वायरमेंट से कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है आई कलर, ब्लड ग्रुप, फिंगरप्रिंट, जेनेटिक हाइट। अब देखिए, आई कलर आप उनका आपके पेरेंट्स जैसा ही होगा, ब्लड ग्रुप आपके पेरेंट्स वाला होगा, उसको इन्वायरमेंट का तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ,
सब सेम एज फिंगरप्रिंट्स हैं, ये जेनेटिक हाइट है, जेनेटिक हाइट इनकी आपकी हाइट कितनी होगी वो आपके मम्मी पापा पर ही जाएगी, ठीक है। अच्छा, वो डिफाइन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का प्रोसेस आप लोगों ने बताना है, ठीक है। माइटोसिस का प्रोसेस देखिए मैं आप लोगों को आप बता देती हूँ कहाँ पर है जी, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये माइटोसिस का प्रोसेस आप लोगों की बुक में ही है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं ये वाला, मैंने कहा आप लोगों को यहीं से बता दूंगी। ये देखिए आप लोग पेज नंबर 43 खोल लीजिए, पेज नंबर 43 के ऊपर ये सारा का सारा ये जो लिखा हुआ है ना, ये सारा माइटोसिस का प्रोसेस है। आपने इंटरफेज याद करना है, फिर प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है माइटोसिस के ऊपर। और याद रखिएगा कि ये डायग्राम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार पेपर में पूछी जा सकती है कि डिफाइन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है जी। उसके बाद फिर लोग वो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए, डीएनए की आपने इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है। तो ये एक तो इसका इंपॉर्टेंस के अंदर सबसे ये 4 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डिटरमाइन द ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, पास इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, और कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड फंक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास है जी डिफाइन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का प्रोसेस भी आप लोगों की बुक में ही एक्सप्लेन है, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मियोसिस का प्रोसेस है, ठीक है। मियोसिस का प्रोसेस यहाँ से आप याद करना शुरू करेंगे, यहाँ से जहाँ से मियोसिस लिखा हुआ है और यहाँ तक जाएंगे, ठीक हो गया। और डायग्राम जरूर कर लेंगे, मस्ट है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये है जिसका आंसर, क्रिएट यूनिक रिप्रोडक्टिव सेल, इंश्योर जेनेटिक वेरिएशन, प्रिवेंट जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंटेन स्पीशी डाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर। पार्ट नंबर 6 है जी मेरे पास आप लोगों ने फंक्शन बताने हैं क्रोमोसोम्स के और जीन के। तो ये मैंने लिख दिए हैं, ये देख लीजिए। क्रोमोसोम के फंक्शन ये रहे, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डिटरमाइन ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक, पास इन्फॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड फंक्शन। जबकि जीन के अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो इसका है डिटरमाइन स्पेसिफिक ट्रेट, कंट्रोल प्रोटीन प्रोडक्शन, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, ठीक हो गया जी। और मजीद इसके लिए अगर आप लोगों को कुछ थोड़ा सा जो चैप्टर का गाइड करना होता है तो वो ये है कि आप लोग माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस जरूर याद कर लीजिएगा, ये लिखा हुआ है ये वाला याद कर लीजिएगा बस। इसके अलावा डिड यू नो जितने भी हैं आप लोगों के वो सारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेड ट्रेट और लर्न ट्रेट के दरमियान डिफरेंस जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।